प्रथम अपडेट ओडिशा विधानसभार बाचस्पति हेले विक्रम केशरी आरुख। ओडिशा विधानसभार बाचस्पति भाव में निर्वाचित होती विक्रम केशरी आरुख। बाचनिक फट पर विक्रम आरुख को बाचस्पति भाव में घोषणा करिसेंती उपवाचस्पति रजनीकांत सिंह। बाचस्पति निर्वाचन पर कल विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन बसला आरुख को बाचस्पति करने मोशन आनी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। उपवाचस्पति निर्देश अनुसाई मुख्यमंत्री विक्रम आरुख बृत्ति रखी संसदीय व्यापार मंत्री प्रस्ताव को समर्थन जनईपर बाचनिक फटे श्री आरुख निर्वाचित है घोषणा करते शुक्रवार विधायक विक्रम केशरी आरुख विधानसभा सचिव निकट में नामांकन पत्र दाखल करते किदिन तेज वरिष्ठ विधायक सूर्य नारायण पत्र असुस्थ होगापर बाचस्पति पद इस्तफा देते बाचस्पति आसन खाली पड़ा। विक्रम केशरी आरुख पंचना करू छथर विधायक होते पूर्व से सरकारी दल मुख्य सचेतक थे विभिन्न विभाग मंत्री भाव में कार्य कर सारी निकटने से जंगल और परिवेश संसदीय व्यापार मंत्री पदर इस्तफा प्रदान करते। परवर्ती अपडेट कोटिया रे पुणी आंध्रर ताताकिरी हटिला ओडिया फलक। कोटिया सीमांत गांवगुड़िक पुणि थे आंध्रर ताताकिरी देखा मिले विभिन्न स्थान में कोरापुट जिला प्रशासन पक्षर लगाई ओडिया फलकगुड़ी हटाई दि जाता बेले संपुक्त गांवगुड़िक आंध्र प्रशासन पक्षर मराजा तेलुगु फलक शोभा पाचे। गुरुत्वपूर्ण विभिन्न स्थान में लगी नवीन पट्टनायक पोस्टर को हटाई सेठे आंध्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी फटो या बड़ बड़ तेलुगु पोस्टर देखा मिलू जमापड़ापर एवं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई माड़कार डोलियांप फगुण सिनेरी फाटू सिनेरी हरमाडांकी नारेडी पलसा फली आंध्र सीमा को स्पर्श करुवा बहु ग्रामपंचायत लिखाई नाम फलक देखा मिलूना फाटुसनेरी गाँव में लगी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पोस्टर सीरी दि जाए अंपक्ष आंध्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी बड़ बड़ पोस्टर माडकार डोलियांप फगुणसिनेरी फाटुसनेरी हरमाडांकी नारेडीपालसा आदि स्थान में शोभा प्रथन करुचे। परवर्त अपडेट असदुद्दीन ओवैसी विरुद्ध में पूरी सिंहतरा थाना एतला। हैदराबाद सांसद तथा एआईएमआईएम मुख्य असदुद्दीन ओवैसी विरुद्ध में पूरी थाना एतला देखार खबर मिले जगन्नाथ मंदिर को नहीं ओवैसी सभार विवाद मंतव्य देते जगन्नाथ सेना और युव अधिवक्ता संघ पक्षर सिंहतर थाना ओवैसी नाँ एतला दि जाए। ओवैसी बयान को उभय संघ कड़ा भाषा निंदा करने सहित विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दावी करते। हैदराबाद सांसद श्रीमंदिर बाबत बौद्ध स्तूप फंगाई श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण होवाद मंत्य को श्री जगन्नाथ सेना पक्ष विरोध करसदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्त करने को दावी होते। सूचनाचक्य पूर्व जगन्नाथ मंदिर होता स्थान बौद्ध स्थल थी असदुद्दीन ओवैसी कहते पर फांगी सेठे मंदिर या से कहते ओवैसी पीरी बयान दंगाफली परिस्थिति उपजाई पारे दुई संगठन कर्मकर्ता मैंने। परवर्त अपडेट मलकानगिरी सीमांत ओलटिला बस पांच जन मृत्यु। मलकानगिरी सीमांत आंध्रप्रदेश बड़ुकुडम निकट में बस ओलटी पांच जन मृत्यु घटी जनाई सूचना अनुसाई विजयवाड़ भवानीपाटना आसुवा खरई बस आंध्रप्रदेश बड़ुकुडम निकट में भारसाम्य हर ओलटी यह दुर्घटन पांच जन मृत्यु घटी बेले तीस जन गुरुतर होती कल भोर समय घटी दुर्घटना। स्थानीय लोक प्रथम जात्री मान उद्धार कर भद्राचलम चिकित्सालय को पठाई थे घटनास्थल में तीन जन मृत्यु होता बेले मेडिकल दुई जन प्राणहानि घटी जनाई एवं छह जन गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती बस में मोट चालीस जन छात्री थे तीन मृतकों परिचय मिले एमने धनेश्वर दलपति जितु हरिचन और नुनेना हरिचन चालक मदपी गाड़ी चलाउ दुर्घटना घटी छात्री मैंने अभियोग करते समस्त ओडिशार श्रमिक से विजयवाड़ घर को फेरुले। परवर्त अपडेट पंद्रह किंवा षोह सुधा ओडिशा छुईपे मौसुमी। ओडिशा को केबे छुईप मौसुमी यह नाना कल्पना चल्पना लगी रही बेले आज भारतीय पाणीपाक केन्द्र अर्थात आईएमटी वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेन्द्र चेनामणि देते खुशी खबर। आईएमटी वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेन्द्र चेनामणि कहानुसार द्वितीय किंवा ससरज अर्थात पंद्रह किंवा षोह तारीख सुधा ओडिशा छुईपे मौसुमी। आज मौसुमी महाराष्ट्र गुजरात बिहार किसी अंचल छुईे आशा कर पंद्रह किंवा षोह तारीख सुधा ओडिशार किसी अंचल कभर करें मौसुमी। प्रथम दक्षिण ओडिशा वर्षा आरंभ होबानी आशा कराउे से चाहे ओडिशा एमती खरा जारी रौद बा पंद्रह आड़क ओडिशा आकाश में पातल खटि पारे आईएमटी वरिष्ठ वैज्ञानिक जेनामणि गणमाध्यम को सूचना देते। परवर्त अपडेट विधानसभा बैठक बेले मुख्यमंत्री विदेश गस्त ठीक नुहे बीजेपी। जून अठाईस मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रोम और दुबई गस्तर जीवे गस्त सूची नहीं विधिवत भाव में मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर कौन सूचना दि जाए गस्त आपात चूड़ा हो मुख्यमंत्री विदेश जीवार चारिदिन पर अर्थात जुलाई दुई तारीख में विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ हो गृह आरंभ मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहीबार संभावना रही है से विदेश फर्चुआल मध्यम जोड़ी हो पारती चर्चा चली बीजेपी आपत्ति उठाई
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଖବର ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାର ପରମ୍ପରା ଓ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଗସ୍ତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 6 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ବିଲ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର। କାଲି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲାବେଳେ ଧରିଛି ସିବିଆଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଛି। ପରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଫଡ଼ାଖୁରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସିବିଆଇ ଏହି ତଲାସୀ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ସାଲେପୁର ଜେମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଏହି କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଜଣାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ତଦନ୍ତର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଗତ ମେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ପରାଳ ଲିଖିତ ନିବେଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତେବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାରିଛି, ଫଳରେ କେବେ କେଉଁ ଅଫିସର ତଦନ୍ତଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଓ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ପୁରୀ ଜଗିବେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମାପନ ପାଇଁ କାଲି ବସିଥିଲା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏଡିଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆର୍କେ ଶର୍ମା, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନରସିଂହ ଫଳ ଓ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂହଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଖ୍ୟାକରେ ରଖି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଗ୍ଜାକ୍ ବାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 5 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 52 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ, 3 କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 11 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 21 ଡିଏସ୍ପି, 50 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 270 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 1000 କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିସିଟିଭି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 3ଟି ଫେଜ୍ରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ପାରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଗ୍ଜାକ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ଚେରା ପରେ ଇଡି ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ଚେରା ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡି ଅଫିସରୁ ବାହାରକୁ ପାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାପାତ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ବାତାବରଣରେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ଖବରକାଗଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଚେରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଚରାଉଚରା ସରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ଖବରକାଗଜ ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଚେରା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାର ଚେରା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସତସତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପଚରାଉଚରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର 2 ଜଣ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆକ୍ଟ ଧାରା 50 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଥିବା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଥିବା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଭକେଶ୍ୱର ନାମକ ଏହି ହାତୀର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାନ୍ତିପୁର ନଗରହୋଲ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କବିନୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ 60 ବର୍ଷୀୟ ହାତୀର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ଭକେଶ୍ୱରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ହାତୀଟି କବିନୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଥିବା ହାତୀ ଭକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟର କବିନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଭକେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ 2.54 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି 2.34 ମିଟର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକରେ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଥର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ। କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକରେ ପୁଣି ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
पूर्वपरि चलित बर्ष पालीजात्रार मजा नेबे लोके। कोरोना परे प्रथम थर पई कटक रे हेबो प्रसिद्ध पालीजात्रा। कोरोना स्थिति रे सुधार आसीथिबारु चलित बर्ष पालीजात्रा करिबाकु निष्पत्ति निया जाइछे। डीआरटीए पीटिंग को पालीजात्रार नोडल अफिसर भाबरे दायित्व मिलिबा परि कहिछन्ते जिलापाल चयनी। कोविड संक्रमण जकु गत 2 वर्ष हेबो बन्द थिला कटक पालीजात्रा। हेले एबे कोरोना संक्रमण रे नियंत्रण नुहे बरं स्थिति रे यथेष्ट सुधार आसीथिबा जकु चलित बर्ष पालीजात्रा हेबानी ग्रीन सिग्नल दैछन्ते जिलापाल। परवर्ती अपडेट, विरोधी मेंटर राष्ट्रपति प्रार्थी हेबे शरद पवार। देशर परवर्ती राष्ट्रपति किए हेबे ताकु नै चर्चा आरंभ होइ छै। जुलाई 18 रे राष्ट्रपति निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए को चकमा देबाकु विरोधी दल गुडिक रणनीति प्रस्तुत करुछन्ते। सबु विरोधी दल मिलित भाबरे जणे प्रार्थी ना उपरे मोहर मारिबाकु एपठारु आरंभ होइ छै मानस मंथन। एथिपई खनखन बैठक मध्य होउछे। एसब भितर पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा एनसीपी मुख्य शरद पवार विरोधी मेंटर राष्ट्रपति प्रार्थी होइ परन्ति बेले चर्चा जोर धरिछे। शरद पवार राष्ट्रपति प्रार्थी हेले तांकु सबु विरोधी दल समर्थन करिबे बोली मध्य कुहा जाउछे। शरद पवार को राष्ट्रपति प्रार्थी करिबाकु कांग्रेस प्रथमे प्रस्ताव दैछे। एनेइ कत कुरपारे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खाड़के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भेटिथिले। सोनिया गांधी तांक पई पठाइथिबा बार्ताकु से पवार को देबासो तांक स दीर्घ समथरी रुथ द्वारा बैठक करिथिले। मुंबई रे ही ए भेटघाट होइथिला। तबे एनसीपी नेता ई प्रस्ताव संपर्क रे कोनोसी प्रकार प्रतिक्रिया देइ नाहंते। परवर्ती अपडेट, इमामी किस आवासिक विद्यालय उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए बालेश्वर जिलार रेमणास्थित अरमलाठार इमामी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पक्ष निर्मित एक विद्यालय को उद्घाटन करते। 12 एकर जमीन निर्मित स्कूल 50 कोटी टंका विनियोग होता बेले किस पक्ष 36 कोटी और इमामी पक्ष 14 कोटी टंका खर्च कर। अवसर में उद्बोधन दे मुख्यमंत्री श्री पटनायक कहते विद्यालय प्रतिष्ठा एभली उद्यम गुणात्मक शिक्षापी राज्य सरकार के उद्यम को आहरी शक्तिशाली कर। इमामी और किस्र उद्यम पर धन्यवाद जन मुख्यमंत्री कहते किस पक्ष भुवनेश्वर मयूरभंज और बालांगीर भाई अनेक स्थान में विद्यालय प्रतिष्ठा कर। राज्य 30 जिले में यही विद्यालय खोलार लक्ष्य रही खुशर कथा। मुख्यमंत्री कहते शिक्षा ही रूपातर सबुठ शक्तिशाली मध्यम। शिक्षा ही जीवन में सबुठ बड़ परिवर्तन आनी थाए। एथे 1200 गरीब पिला मागणार पाठ पढ़ार व्यवस्था हो मुख्यमंत्री खुशी प्रकाश करते। परवर्ती अपडेट, नशबंदी कर प्रतिदिन 10 कुकुर जीवन ने पीएमसी। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्थात पीएमसी उपर गंभीर आरोप लगे बीजेपी सांसद मानेका गांधी। नशबंदी कर प्रतिदिन पीएमसी 10 कुकुर जीवन ने कहते मानेका गांधी। एक भिडियो जरिए से भुवनेश्वर शहीद नगर कि भाव में नशबंदी नाँ कुकुर हत्या कर चिंता प्रकट करने से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तुरंत यह बंद करने पीपुल फॉर एनिमल इंस्टा पेज रे पोस्ट करा छि थिबा एक वीडियो रे मानेका गांधी कहते पीएमसी पे कुकुर मानकर नशबंदी करैबा अभियान पुणिथरे आरंभ करिछे जहां पेई नटे। ए अभियान रे कुकुर को रास्तार उठाइ नै शहीद नकर निया जाउछे। सेठारे 44 डिग्री खरारे से तले पकाचिपास एनेस्थेसिया नतई नशबंदी कर। नशबंदी पर ना एंटीबायोटिक दिया जाउछे ना पेन किलर। जंत्रणा रे कुकुर को मरीबा को छाड़ी दिया जाउछे। सेठारे थिबा प्राणी चिकित्सक सरोज प्रथानी कार्यरे नियोजित अछन्ते। अस्त्रोपचार करिबा पई तांका पाखरे प्रशिक्षण रा अभाव थिबा बेले से कुकुर को अस्त्रोपचार पर सामान्य जत्न मध्य नियंते नाही बोली अभियोग करिछन्ते मानेका। एहा फलरे प्रतिदिन प्राय 10 कुकुर मृत्युबरण करुछन्ते। एहा को रोकाचिपा जरूरी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एथिप्रति तुरंत ध्यान दियंतु बोली से कहिछन्ते। इंस्टा पोस्ट को मुख्यमंत्री 5T सचिव फिके पांडियान को ट्याग करा चाहिए। परवर्ती अपडेट, कोविड महामारी एपर्यंत शेष होना देशर केतक राज्य में कोविड 19 मामलें वृद्धि घटी बेले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार कहते महामारी एपर्यंत शेष होना एथपी सजग रहा कोविडर उपयुक्त आचरण उपर गुरुत्वारोप कर आवश्यकता रही है। मंत्री राज्य और केन्द्र शासित अंचल गुड़ी निरीक्षण जारी रखा और देश में नूतन भारियंट चिन्हट पर जिनम सिक्वेन्सिंग ध्यान देवाक निवेदन करते। स्वास्थ्य मंत्रालय एक बृत्ति में कही हर घर दस्तक 2.0 अभियान अधीन टीकाकरण अग्रगति समीक्षापी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और राज्य और केन्द्र शासित अंचल वरिष्ठ अधिकारी सह एक बैठक करते। केतक जिला और राज्य में वर्धित मामला सकारात्मक हार और कोविड 19 परीक्षण ह्रास पर आलोकपात कर मांडविया कहते ठीक समय परीक्षण मामलागुड़ शीघ्र चिन्हट कर सक्षम हो संक्रमण विस्तार को रोकवे साहय कर। राज्यगुड़ी कोविड 19 पर संशोधित सर्भेलांस रणनीति कार्यक्षम निर्देशावली कार्यकारी करने ध्यान देवाक अनुरोध करते। परवर्ती अपडेट, पुटिन मलमूत्र संग्रह करने को साथ स्वतंत्र पट्टिकार्ड। यूक्रेन उपर आक्रमण कर सारा विश्वपी बिवाद हो पड़ा रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन एवं आउ एक कारण चर्चा को आसी विदेश गस्त बेले पुटिन मलमूत्र संग्रह करने को साथ स्वतंत्र पट्टिकार्ड चाहती जमापड़ापर यह चर्चा आरंभ हो जितेबाला रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन विदेश गस्तर जाते से स्वतंत्र पट्टिकार्ड सहित जाते जो मान कम कौन आपड़ जाणी आश्चर्य हे।
रिपोर्ट अनुसार स्वतंत्र पटिकार्ड मैंने पुटिन मलमूत्र संग्रह कर एक सुटकेस मस्को को पठाते राष्ट्रपति स्वास्थ्य जत्न नेपर आवश्यकता पूरण कर दायित्व दिजाई थाए पुटिन स्वास्थ्य प्रति एजेन्सी बहुत सतर्क रही है मलमूत्र संग्रह कर एक सुटकेस मस्को को पठाजा पर यार परीक्षा कराए शरीर में कौन रोग विकास होना देखा जाए। परवर्त अपडेट संकुचित हे राज्यपाल क्षमता राज्यपाल क्षमता संकुचित और सरकारी कार्यक्रम पर अजथा हस्तक्षेप को रोकवाई गोटे बिल पारित करिछंती पश्चिमबंग सरकार काली बेंगल विधानसभा पारित होता बिल अनुसाई राज्य में समस्त विश्वविद्यालय कुलपति निजुक्त करार अधिकार राज्यपाल बदल में मुख्यमंत्री को मिल राज्य में समस्त विश्वविद्यालय कुलाधिपति हे मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल कुलाधिपतिर मान्यता पाते एवं विधानसभा पारित होता बिल अनुमोदन राज्यपाल जगदीप धनखर पाखक जीव सांधानिक नियम अनुसाई से मोहर मारा कथा हेले से चाहिए यह दीर्घ समय धरी निज पाखे पकई रखिपारे कि राष्ट्रपति बिल उपर निष्पत्ति ने अनुरोध करें वर्तमान बेंगल राज्यपाल जगदीप धनखर और मुख्यमंत्री ममता बानर्जी मध्य तिक्तता लगी रही है। श्री धनखर निज इच्छा कुलपति मानू निजुक्ति देवास सरकारी प्रक्रिय बाधा सृष्टि करुवा क्षमतासीन टीएमसी बारंबार अभियोग कर आसुचे सीपरी राज्य में पचिशी विश्वविद्यालय कुलपति निजुक्ति बेले राज्यपाल अनुमति निया अभियोग कर जगदीप धनखर। परवर्त अपडेट स्वास्थ्य मंत्री को छटका आहरी 14 जेल में रहिबे दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र चैन को छटका मनी लॉन्ड्रिंग मामलें कोर्टता आहरी 14 विचार विभाग हाजत को पठाई गत मे 30 तारीख में प्रवर्तन निर्देशालय गिरफ्त करता यह पूर्व जून 9 तारीख में कोर्टता जून 13 जाए ईडी हेफाजत को पठाई तेज रिमांड अवधि काली शेष होगा पूर्व पुणी कोर्ट विचार विभाग हाजत को पठाई सेपटे दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र चैन कोर्टे जमीन आवेदन करते आज जमीन मामलार शुणी होगा पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग मामलें तदंत बेले स्वतंत्र चैन और जड़ित लोकों विरोध में चढ़ाऊ बेले 2.85 कोटी टंकार 133 सुनामुद्रा जबत होता ईडी कही गत सोमवार ईडी दिल्ली और आखपाख अंचल एक ज्वेलरी दुकान समेत 7 ठिकाना उपरी मामलें चढ़ाऊ कर मनी लॉन्ड्रिंग मामलें गिरफ्त होगा स्वतंत्र चैनी समर्थन में बाहरी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दल लगातार चैनी को रक्षा करुंट से निज समस्त कागजपत्र देखिंट स्वतंत्र चैन निर्दोष बोली दिल्ली मुख्यमंत्री कहते। परवर्त अपडेट बांग्लादेश दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट है एमबीबीएस छात्र बांग्लादेश एमबीबीएस पढ़ुता जड़े भारतीय छात्र दुर्घटना गुरुतर होगापर तर चिकित्सापी सहायतार हाथ बढ़ाई भारत सरकार संकटापर अवस्था थ संपुक्त छात्र को दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट कर भारत सरकार जम्मू काश्मीर सोएप्लोने नामक जड़े छात्र ढाकार एक मेडिकल कलेज अध्ययन करते एक दुर्घटन शिकार होगापर जरूरकालन चिकित्सा लगे ढाकार नुआदिल्ली को एयरलिफ्ट कर संपर्क में बीजेपी जम्मू काश्मीर सभापति रवींद्र रईना सूचना देते सूचना अनुसाई सोएप्लोर दुईज कलेज सहयोगी एक दुर्घटन सम्मुखीन होते जनक घटनास्थल में मृत्यु घटेबा बेले स्वेप गुरुतर होते से ढाका चिकित्सित होते से कमा अवस्था को चली जाते।